इंडिया में हर महीने ऑन एवरेज 100 फिल्में रिलीज होती है, जिनमें से ज्यादातर मूवी चल नहीं पाती। अब तक का यह साल इंडियन सिनेमा के लिए कुछ अच्छा नहीं रहा। पिछले 5 महीनों में बस 4 से 5 ही मूवीज हिट हो पाई है, बाकी सब फ्लॉप, एवरेज या डिजास्टर की लिस्ट में जा चुकी है। लेकिन आने वाली कुछ मूवीज ऐसी है जिनके लिए मैं पर्सनली एक्साइटेड हूँ और आपसे भी शेयर करूंगा ये वॉच लिस्ट। जो भी नए आए हैं आपको बता दूं, चैनल पे रिव्यूज, डॉक्सफीड में पॉप कल्चर अपडेट्स, डॉक्सफीड स्पेशल्स में डिटेल में अपडेट्स एंड डॉक्सफ्लिक्स में मूवी रिकमेंडेशंस जैसा बहुत कुछ हर हफ्ते देखने मिलेगा, जिसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट में जो मूवी ऐड हुई है वो एक्चुअली सबसे पहले रिलीज होने वाली है, पर उसका कंफर्मेशन अभी अभी आया है तो उसे लास्ट में ऐड किया है। अगले 3 महीने जून, जुलाई और अगस्त में आने वाली इन 7 मूवीज में से पहली मूवी है कबीर खान की चंदू चैंपियन। ट्रेलर आपके सामने है, कार्तिक आर्यन की मेहनत भी दिख रही है, बट सबसे ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ मुरलीकांत पेटकर जी की लाइफ को बड़ी स्क्रीन पे देखने के लिए। मुरलीकांत इंडियन आर्मी में थे तब 65 की जंग में बुलेट्स लगने की वजह से घायल हो गए। पहले वो बॉक्सिंग खेलते थे बट बाद में उन्होंने स्विमिंग को अपना लिया। उन्होंने स्विमिंग में 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। उन्हें 2018 में पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। मूवी का ट्रेलर बहुत अच्छा है, बहुत सी बातें आपको बता देता है। बचपन से बुढ़ापे तक का सब कुछ ट्रेलर में डाला है, बट कार्तिक का मराठी एक्सेंट कुछ जम नहीं रहा, जो 14 जून को मूवी आने पे ही पता चलेगा। चंदू चैंपियन रिलीज होने के 2 दिन बाद आएगी कल्कि 2898 AD, जो पहले ही बहुत बार डिले हो चुकी है। ये मूवी प्रभास के लिए परफेक्ट कमबैक साबित हो सकती है। इसका ग्लिम्स, टीजर, अमिताभ बच्चन के अश्वत्थामा का इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत कुछ आ गया है, बट फिर भी मूवी का 10% भी रिवील नहीं हुआ। अभी भी लोग प्रभास कल्कि है या भैरवा इसी पे लगे हुए हैं। मूवी की मार्केटिंग बहुत अच्छी हुई है। ये इंडिया की पहली मूवी बनी है जिसका प्रमोशन कॉमिक कॉन में हुआ है, जो कोई छोटी बात नहीं है। कल्कि थोड़ी लेट हो गई, नहीं तो डिस्टोपियन फ्यूचर में बनी पहली इंडियन फिल्म बन जाती, जिसका ऑनर गणपत ले गई। पर अच्छा हुआ क्योंकि गणपत के सामने अब हर मूवी अच्छी ही लगती है। फ्यूचर में सेट इस मूवी में अश्वत्थामा है, तो बाकी चिरंजीवी भी होने चाहिए। इसमें हनुमान भी आते और इसमें बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी भी दिखाई जाए, जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। इसके बाद सीधा अगस्त में 3 बड़ी मूवीज आएंगी, जिनमें पहली है पुष्पा 2। पुष्पा 1 ने 2021 में सबको नचाया था। इस मूवी को लेकर थोड़े मिक्स रिएक्शंस भी देखने मिले, मगर बॉक्स ऑफिस के तो इसने झंडे गाड़ दिए। अल्लू अर्जुन की डबिंग फर्स्ट टाइम श्रेयस तलपटे ने की, जिसको लेके थोड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ। आपको अल्लू अर्जुन की आवाज में कौन पसंद थी, संकेत मात्रे या श्रेयस तलपटे, कमेंट्स में बताइए। पुष्पा 2 को आने में वैसे तो काफी लेट हुआ है, बट इसकी हाइप किसी भी एंगल से कम नहीं हुई। अपने फर्स्ट लुक से ही पुष्पा ने लोगों का दिल जीत लिया एंड रिएक्शन चैनल्स का धंधा बढ़ा दिया। पुष्पा को इस लुक में एक्शन करते हुए कौन नहीं देखना चाहेगा। ऊपर से अब मैं मलयालम मूवीज को देख के फहद फासिल का फैन भी बन गया, तो ये डबल धमाका बड़ी स्क्रीन पे देखने में मजा तो आएगा। इस साल का आपका 15th अगस्त बहुत बिजी रहेगा, क्योंकि पुष्पा 2 के साथ इसी दिन सिंघम अगेन भी आएगी। पॉप यूनिवर्स की 5th और सिंघम की ये 3rd इंस्टॉलमेंट है, जिसमें करीना कपूर, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, अर्जुन कपूर, जैकी श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ और ऑब्वियसली अजय देवगन दिखेंगे। इतनी बड़ी कास्ट है तो मूवी भी बड़ी ही होगी, और उससे बड़ा होगा इसमें एक्शन, जो बड़ी स्क्रीन पे आग लगाने का काम करेगा। बस ह्यूमर का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो रोहित शेट्टी की मूवीज में सीरियस सिचुएशंस में भी मजाक होता रहता है। इस मूवी में टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर की कास्टिंग को लेके आपके क्या थॉट्स है कमेंट्स में बताइए। पॉप यूनिवर्स के बाद मैडॉक्स सुपरनेचुरल यूनिवर्स से आएगी स्त्री 2। पहली स्त्री आई 2018 में, उसके बाद 21 में रोगी, जो टेक्निकली अब इस यूनिवर्स का पार्ट नहीं है, और सबसे लेटेस्ट 22 में आई थी भेड़िया। भले ही इन मूवीज में गैप बहुत बड़ा हो, लेकिन ये ऐसी मूवीज है जिनसे ऑडियंस इंस्टेंट कनेक्ट हो जाती है। इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का फ्यूचर भी बहुत तगड़ा है, जिसमें अब भेड़िया 2, मुंजा और आयुष्मान खुराना एंड समंता को लेके एक वैम्पायर मूवी भी आएगी। स्त्री 2 देखने से पहले आपको बस स्त्री और भेड़िया देखनी पड़ेगी, जिसके बाद आप तैयार हो इस यूनिवर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए। टेक्निकली तो इन 5 मूवीज के साथ ये लिस्ट खत्म होनी चाहिए, बट मैंने इसमें 2 बोनस मूवीज ऐड की है, जिसमें पहली मूवी 19 जुलाई को आएगी बैड न्यूज। गुड न्यूज मूवी का सीक्वल भी आप इसे कह सकते हो, बट इसमें कोई भी कैरेक्टर या कहानी कंटिन्यू नहीं होगी, बट शायद इसमें पिछली कास्ट से किसी का कैमियो भी दिख सकता है। एक वन नाइट स्टैंड के वजह से होने वाला तमाशा हमें देखने मिलेगा इस मूवी में, जिसमें एमी, विकी कौशल के साथ तृप्ति डिमरी कॉमेडी रोल में दिखेंगी। तृप्ति की लैला मजनू और बुलबुल मैं आपको रेकमेंड करूंगा, आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये लास्ट मूवी एक्चुअली सबसे पहले रिलीज होने वाली है एंड इस मूवी का कोई अपडेट नहीं आया था, इसलिए ये इस लिस्ट में नहीं थी। बट इसका ट्रेलर आ चुका है, जिसने मुझे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड कर दिया है। मूवी का नाम है मुंजा और ये मैडॉक्स सुपरनेचुरल यूनिवर्स की मूवी है, जो स्त्री 2 से पहले आएगी। जिसका ट्रेलर ब्रेकडाउन एंड रिव्यू और ये मुंजा होता क्या है ये आपको चैनल
चैनल पे देखने मिल जाएगा। मूवी के डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार भी एक वजह है मेरे एक्साइटमेंट की, जिनकी ये पहली हिंदी मूवी है और इससे पहले उन्होंने जोम्बीज पे बनी पहली मराठी मूवी जोम्बी, फास्टर फेने और माउली जैसी मूवीज बनाई है। मूवी की कास्टिंग में शर्वरी वाघ, अभय वर्मा, मोना सिंह और हमारे कटप्पा यानी कि सत्यराज दिखेंगे और इसका मेन कैरेक्टर मुंजा पूरा CGI से बना है, जिसपे मूवी आने तक और भी काम होगा, जिसकी वजह से ये मूवी सच में काफी अलग लग रही है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।